अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिफरेंस क्या है, या हम इनका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काबिली जायज़ा लेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं और ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो ये जो कोर्स है वो डेस्कटॉप या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान ही घूमता रहेगा। तो दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेस्कटॉप या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता है, डेस्कटॉप या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये अमूमन किसी के पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हुआ पड़ा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ पड़ा होता है। ठीक है, और ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहलाता है, या डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है जो कि क्लाइंट के या कंप्यूटर के या किसी शख्स के पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ पड़ा होता है। ठीक है, और एक ही शख्स एट ए टाइम उसे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये अगर वो इंटरनेट या किसी नेटवर्क से रिसोर्सेज गेन या कोई चीज़ ले रहा है या कोई डेटा वगैरह या कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो उसे नेटवर्क की कनेक्टिविटी चाहिए होती है जो कि वायर्ड भी हो सकती है या वायरलेस भी हो सकती है। ठीक है, तो अमूमन जो हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हार्डवेयर यूज़ होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, जैसे कि एक फुल डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया जिसके अंदर हमारे सेपरेट कंपोनेंट्स होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह, ठीक है, स्पीकर या जो कुछ भी है। उसके अलावा हमारा होता है पोर्टेबल या लैपटॉप, ठीक है, जो इसमें हमारे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस सारे एक ही डिवाइस के अंदर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आई मैक कंप्यूटर वगैरह। ठीक है, तो इसमें अमूमन जो हमारे होते हैं मॉनिटर और सीपीयू एक ही यूनिट में होते हैं, ठीक है, और कीबोर्ड और माउस अमूमन सेपरेट होते हैं। ठीक है, और एक चौथी कैटेगरी जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है वो होती है 2-in-1 की, जिसके अंदर एक बड़ा सा टैबलेट कंप्यूटर होता है जैसे कि आईपैड प्रो या माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस वगैरह वगैरह, जिसके अंदर कीबोर्ड डिटैच हो जाता है। ठीक है, जो कि टैबलेट का टैबलेट बन जाता है और कंप्यूटर का कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यूजुअली बड़े पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जिनका जो अमूमन नेटवर्क के साथ अमूमन नहीं बल्कि हमेशा कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी सर्विसेज अमूमन नेटवर्क के थ्रू ही ली जाती हैं। ठीक है, और ये अमूमन बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे ईमेल हो गई, फाइल्स हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कंप्यूटर या यूजर्स इनसे एट ए टाइम ये चीज़ें एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग ये जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 3 किस्म के हो सकते हैं, या हार्डवेयर हमारा जो है 3 किस्म का हो सकता है। ट्रेडिशनल सर्वर्स हो गए, नंबर एक, नंबर दो रैक माउंटेड सर्वर्स, और तीसरे हैं प्लेट सर्वर्स। इन तीनों को वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ट्रेडिशनल सर्वर्स। ये अमूमन सर्वर्स छोटी या दरमियानी लेवल की जो बिजनेस हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये अमूमन एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड या सीपीयू वगैरह और माउस वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं, यानी छोटे से ऑपरेटिंग होते हैं कंप्यूटर होते हैं जो कि सर्वर्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ पड़ा होता है और सर्वर की खदमात मुहैया कर रहे होते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो रैक माउंटेड। ठीक है, तो इसमें ऐसे होता है कि रैक माउंटेड सर्वर में जो हमारे सीपीयू बॉक्सेस होते हैं वो रैक्स में होते हैं, रैक्स में लगाए जाते हैं या माउंट किए जाते हैं। ठीक है, जिनमें बहुत सारे सर्वर्स जो कि बहुत सारे सर्वर्स होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हर सर्वर की अपनी एक पावर कॉर्ड होती है, यानी पावर कनेक्शन होता है और नेटवर्क का कनेक्शन होते हैं। ठीक है, और यूजुअली ये बहुत सारे जो सर्वर्स हैं ये अमूमन एक ही मॉनिटर शेयर करते हैं और एक पॉइंटिंग डिवाइस यानी माउस वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कितने सर्वर जा सकते हैं रैक के अंदर, तो ये रैक की हाइट पर मुश्तमिल है और सर्वर्स की हाइट पर मुश्तमिल है कि एक रैक में कितने सर्वर्स आ सकते हैं। तो चंद भी आ सकते हैं और दर्जनों भी इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, यानी ये टोटली साइज़ पर डिपेंड करता है कि कितनी कुछ जगह है और कितना कुछ इसका साइज़ है। जैसे पानी है, आप देखते हैं कि बड़ा जग है तो उसमें ज़्यादा पानी आता है, कम छोटा जग है तो उसमें कम पानी आता है। इसी तरीके से सर्वर्स की अपनी भी हाइट वगैरह होती है जो कि देखी जाती है कि कितने वो अकोमोडेट कर सकता है। यह अगर रैक बड़ा है तो उसके अंदर छोटे सर्वर ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर रैक बड़ा भी है लेकिन सर्वर्स बहुत बड़े हैं तो वो कम ही आएंगे, यानी एक रीज़नेबल अमाउंट में आएंगे, यानी वो जगह के हिसाब से आएंगे। उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं ब्लेड सर्वर्स। तो ब्लेड सर्वर बड़े स्लिम होते हैं जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, और बड़ी कम स्पेस करते हैं। ठीक है, बड़ी कम स्पेस लेते हैं। ठीक है,
और ये एक कार्ड की तरह लगते हैं जो कि एक ब्लेड के डब्बे ब्लेड के अंदर या एक डब्बे के अंदर इनक्लोजर के अंदर लग जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लेड और जिस जगह पे लगता है या जो डब्बा सा होता है उसको हम कहते हैं ब्लेड इनक्लोजर। ठीक है, ये एक बड़ा सा डब्बा होता है जिसकी बैक पर बैक प्लेन होती है जिसमें ब्लेड सर्वर्स के लिए स्लॉटें बनी होती हैं। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर जो हमारा ब्लेड का इनक्लोजर है उसके अंदर कूलिंग फैन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर हो सकती है, या किसी मॉनिटर शेयर्ड मॉनिटर के कनेक्शन हो सकता है, या पॉइंटिंग डिवाइस के कनेक्शन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हमारे नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो सकती है, यानी ये डिपेंड करता है कि ब्लेड इनक्लोजर के ऊपर जितना बड़ा होगा और उसके साथ जितनी फैसिलिटीज़ होगी। ठीक है, तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक एक छोटा सा या एक सिंगल ब्लेड इनक्लोजर जो होता है जो तकरीबन 100 से ज़्यादा ब्लेड सर्वर्स अकोमोडेट कर लेता है या अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, तो जो हमारी मीडियम साइज और लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन हैं वो रैक माउंटेड सर्वर और ब्लेड सर्वर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जिसकी मदद से उनकी ना सिर्फ स्पेस बचती है बल्कि उनकी जो प्राइसेज हैं वो भी कम पड़ती हैं। ठीक है, और जो हमारी सर्वर मैनेजमेंट है वो भी एक कंसोलिडेट हो जाती है, एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और तो आजकल के जो मॉडर्न डेस्कटॉप या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस हिसाब से तैयार किए जाते हैं कि उनके अंदर नेटवर्क कम्युनिकेशन रहे ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, जो कि केबल के थ्रू हो सकती है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकती है, या इंटरनेट के थ्रू हो सकती है। तो इस नेटवर्क कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा होता है? इसकी मदद से हम फाइल्स शेयर करते हैं, प्रिंटर शेयर करते हैं और ईमेल वगैरह शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था डेस्कटॉप वर्सेस या क्लाइंट वर्सेस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, यानी मैं अगर बाद में इन चीज़ों को कंसेप्ट करूँ यानी करूँ तो यानी अगर इनका जिक्र करूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो या मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। क्लाइंट वो होता है जो सर्विसेज ले रहा होता है या अपने कंप्यूटर की हद तक काम कर रहा होता है, लेकिन जो सर्वर होता है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो बाकायदा कंप्यूटर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लाइंट अगर इंटरनेट के साथ ना भी कनेक्ट हो तो शायद काम चल जाए, लेकिन जो इंटरनेट या नेटवर्क के साथ, लेकिन जो हमारा सर्वर है उसको नेटवर्क के साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर नेटवर्क के साथ नहीं होगा तो उसकी सर्विसेज को एक्सेस कैसे किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आयो या इनपुट आउटपुट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, ताकि हमारे जो आने वाले टॉपिक्स हैं उन या हिस्ट्री है जिसके अंदर हम आयो के बार बार जिक्र करेंगे या कुछ है, तो वो ज़्यादा इजीली हो जाए, ईजियर हो जाए या आपके लिए फेमिलियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।